अगर आप पाकिस्तान का स्कोर कार्ड देखेंगे तो आपको जीत की जो मार्जिन है वो दिखाई देगी 7 विकेट से, कि भैया पाकिस्तान ने 7 विकेट से आयरलैंड को हरा दिया। ऑब्वियसली बात है आयरलैंड के ऊपर ये एक बहुत ही कन्विंसिंग जीत है, और मैं कहूंगा बहुत तरीके से यहां पर पाकिस्तान ने आज रन बनाया है। लेकिन आपको एक और चीज बता दूं इसी मैच के बारे में कि एक समय ऐसा भी था जब पाकिस्तान का 13 रन के स्कोर के ऊपर 2 विकेट गिर चुके थे, और इन गिरे हुए 2 विकेटों में से 1 विकेट बाबर आजम का भी था। वो बाबर आजम जो कि दुनिया के टॉप बल्लेबाजों में शुमार हैं, बॉब्जी द किंग उनको कहा जाता है, और ऐसा कुछ है नहीं जो वो कर नहीं सकते। लेकिन हाँ, आज भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। भाई साहब आज डक पे आउट होके गए। पिछले मैच में जहां उनकी टुक टुक पारी की आलोचना हुई थी, तो इस बार तो उन्होंने अपने आलोचकों का मुंह ही बंद करा दिया। उन्होंने कहा मैं रन बनाऊंगा ही नहीं तो मेरी आलोचना कैसे करोगे। तो आयरलैंड के पास में आज एक बार फिर से मौका देकर हाथ से छीन लिया, वो तो भला हो रिजवान का और फखर जमान का, जिन्होंने की बढ़िया पारियां खेली। मतलब रिजवान को लेकर लगातार क्रिटिसिज्म होता है, पिछले मैच के बाद में भी क्रिटिसिज्म यही हुआ था कि यार रिजवान जो है आखिर क्यों मतलब रन नहीं बना रहा है, उसको तो T20 में होना ही नहीं चाहिए, उसको T20 के लायक ही नहीं समझना चाहिए, बहुत तरह की बातें हुई थी। बट अगर हम लोग पिछले कुछ समय के पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें तो रिजवान इज द ओनली प्लेयर हु इज कंसिस्टेंट विद द बैट। हाँ, स्ट्राइक रेट थोड़ा मतलब नीचे की तरफ को है, बट बंदा कंसिस्टेंट है। और जब आप पाकिस्तान टीम की बात करते हैं, जहां पर कि खिलाड़ी मतलब समझ में ही नहीं आता कि आखिर किस तरीके से क्या करना चाहते हैं, कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, उन सब के बीच में अगर मोहम्मद रिजवान आपको थोड़े से कम स्ट्राइक रेट से ही सही लेकिन रन बनाकर दे रहा है, तो आपके लिए वो ब्लेसिंग इन डिसगाइज है। बात करें अगर आज के मैच की, तो भैया आयरलैंड ने आज पहले बैटिंग करके 193 का स्कोर अपने बोर्ड पर टांगा था, और एक बार फिर से आयरलैंड की तरफ से पूरा टीम एफर्ट देखने के लिए मिला। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई एक प्लेयर बिल्कुल स्टैंड आउट खेल गया और उसने 100 ओवर मार दिया और 80 मार दिया, ऐसा नहीं था। ये 193 का जो स्कोर है भी कलेक्टिव टीम एफर्ट था। बलब्रीन ने बनाए 16 रन, ये पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच थे। पॉल स्टर्लिंग ने 7 बॉल में 11 रन बनाए। लॉकन टकर ने 34 बॉल्स में 51 रन बनाए, काफी बढ़िया इनिंग खेली आज इन्होंने। हैरी टकर ने 28 बॉल्स में 32 बनाए। कर्टिस कैम्फर ने 13 बॉल में 22 रन बनाए। डॉक्रेल ने 8 बॉल में 15 बनाया। डेल्ली ने 10 बॉल में 28 रन बनाए, 280 का स्ट्राइक रेट रहा। तो यहां पर बढ़िया बैटिंग करी, मतलब एक कलेक्टिव एफर्ट देखने के लिए मिला इस पूरी टीम की तरफ से। वहीं अगर हम लोग बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें, तो भैया बॉलिंग डिपार्टमेंट आज भी बहुत बुरा पिटा है। जबकि आज तो मोहम्मद आमिर भी वापस आ गए थे, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद आमिर, नसीन शाह, इमाद वसीम, सैम अयूब, मतलब अच्छी खासी एक बॉलिंग यूनिट थी यार। उसके बाद अगर आप देखें तो शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर, इन दोनों ने मिलकर 8 ओवर में 4 विकेट लिए। लेकिन अगर हम रन्स के लिहाज से बात करें तो इन दोनों ने मिलकर करीब करीब 93 रन्स पड़वाए हैं, 93। तो ये रन तो भैया काफी ज्यादा है 8 ओवर के हिसाब से, 93 रन। शाहीन शाह अफरीदी की इकोनॉमी रही 12.2, हालांकि बंदे ने 3 विकेट निकाले। वहीं आमिर की इकोनॉमी रही 11 की, बंदे ने 1 विकेट निकाला। नसीम शाह की बात करें तो 9 की इकोनॉमी से ये भी पिटे हैं, 1 विकेट इन्होंने भी निकाला। अब्बास अफरीदी ने 2 विकेट निकाले हैं, 8.2 की इकोनॉमी रही। इमाद वसीम ने थोड़ी कसी हुई बॉलिंग करी, 7 का इकोनॉमी रेट रहा। बट बात वही आ जाती है कि यार बॉलिंग क्या चल रही है। आप देखिए नसीम शाह को भी अगर हम इसमें ऐड कर दें तो ये तो फिगर और भी ज्यादा बिगड़ जाता है। मतलब आप लोगों ने तो बिल्कुल 12 की इकोनॉमी से रन पड़वा दिए। क्या इसके बाद अगर हम लोग बात करें पाकिस्तान की इनिंग की, तो शुरुआत काफी भयानक हुई। पहला विकेट 6 रन पर गिर गया, दूसरा विकेट 13 रन पर गिर गया। तो सिचुएशन जो थी वो तो ऑब्वियस ही बात है बहुत ज्यादा दयनीय हो चुकी थी, और पाकिस्तान का थोड़ी देर के लिए जरूर ऐसा लगा था कि यार ये क्या से क्या हो रहा है, और अगर आज का मैच भी हार गए तो भाई ये समस्या ज्यादा हो जाएगी। यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत ये रही कि पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम रन नहीं बना सके। लेकिन एक चीज जो ठीक रही वो ये कि आज आजम खान का बल्ला थोड़ा सा चल गया। दरअसल रिजवान ने बनाए हैं 46 बॉल पर 75 रन, बढ़िया स्ट्राइक रेट रहा है, 163 का स्ट्राइक रेट रहा है। 4 छक्के मारे हैं, 6 चौके मारे हैं, मतलब पूरा पूरा यूटिलाइज किया है यहां पर, और 163 का स्ट्राइक रेट कहीं से कहीं तक भी कम नहीं होता। इसके अलावा फखर जमान की बात करें तो बंदे ने 40 बॉल्स में 78 रन बनाए हैं, 6 चौके मारे, 6 छक्के मारे, 195 का बेहतरीन स्ट्राइक रेट रहा। एंड आजम खान ने 10 बॉलों में 30 रन बनाए, 1 चौका 4 छक्के और 300 का स्ट्राइक रेट रहा। तो आज आजम खान बढ़िया खेल कर गए हैं। लग रहा था कि चलो ठीक है, हाँ भाई इसी बैट्समैन की बात होती थी जो लीग क्रिकेट में बहुत तगड़ा मारता था, तो आज कहीं जाकर आजम खान का बल्ला फाइनली खुल गया। जरा अब हम बात कर लें कि भैया क्या कुछ हुआ है आज के मैच में। तो यहां पर देखो पाकिस्तान जो था उसने बिल्कुल जिस तरीके से स्कोर को चेस किया है वो भी देखिए भाई काबिले तारीफ है। 17वें ओवर में ही उन्होंने 195 का जो टारगेट है उसको चेस कर लिया, तो इसको तो आपको
तारीफ ही करनी पड़ेगी कि भाई इतने कम टाइम में आपने इस स्कोर को चेज किया। हालांकि आखिरी का जो 17वां ओवर था उसमें आजम खान ने लगातार 3 छक्के मारे थे जिस कारण से मैच इतनी जल्दी खत्म हो गया, वरना एक आध ओवर तो और ज्यादा खिंच ही सकता था। बट ठीक है, बढ़िया बैटिंग करी है आज यहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से, बढ़िया बैटिंग हुई, एक भरोसा, एक ट्रस्ट दिखाया खुद के ऊपर। और वर्ल्ड कप के ठीक पहले देखो, आयरलैंड से मैच हार कर पाकिस्तान को वैसे भी कुछ मिलना नहीं। पिछला मैच आप हार गए, आपने देख लिया कितनी छिछलेदार हो रही है भाई। जिस समय पर टीम को कॉन्फिडेंस की जरूरत है उस समय पर टीम अपना कॉन्फिडेंस लूज कर रही है, तो ऐसे में तो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रॉब्लम्स खुद ही बढ़ेंगी और आप खुद ही वो होंगे जो अपनी प्रॉब्लम्स को बढ़ाएंगे। तो ऐसे में ठीक यही रहेगा कि आप वाकई में अपनी टीम को साथ के चलें और जो ये पॉलिटिक्स की खबरें आ रही हैं इन सब चीज़ों को दरकिनार करके अपने गेम के ऊपर ध्यान दें, वरना पाकिस्तान क्रिकेट जो है वैसे भी बहुत शानदार स्थिति में है नहीं, उसको और बुरी कंडीशन में क्यों ही डाला जाए। आज का मैच पाकिस्तान ने वाकई में काफ़ी अच्छा खेला है, लेकिन बात वही आ जाती है कि फिर आप आयरलैंड के सामने खेल रहे हो तब तो कम से कम आप एक लेवल अप करो। तो आज के मैच में वो लगा कि पाकिस्तान की बैटिंग ने लेवल अप किया है, बट जो चिंता का सब्जेक्ट है वो यहाँ पर पाकिस्तान की बॉलिंग है, वो बॉलिंग जिस बॉलिंग की कस्में पाकिस्तान के साथ में खाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर उस ये जो बॉलिंग हो रही है इस बॉलिंग में उतना दमखम दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऑब्वियसली बात है लोगों को थोड़ा तो लग ही रहा है कि यार ये आखिर क्या चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान को टाइम देना चाहिए वर्ल्ड कप के पहले, देखते हैं वो कैसा कैसे सेटल डाउन होते हैं, क्योंकि फिर वहां पर आकर उनको भारत से भी तो हारना है। क्या कहेंगे आप लोग इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।